भारत विकास परिषद मनी डव्वाली शाखा की ओर से डव्वाली की श्री रामनगर कॉलोनी के लवकुश पार्क के अंदर आज राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद का जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने ऑनलाइन आकर सभी भारत विकास परिषद के सदस्यों को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डव्वाली के विधायक श्री अमित सिहाग पहुंचे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय के अरोड़ा राष्ट्रीय मंत्री भारत विकास परिषद ने की। जैसे ही मुख्य अतिथि अमित सिहाग ने विवेकानंद जी की मूर्ति का अनावरण किया तो पूरा पंडाल, पूरा वातावरण भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे भारत माता की, भारत के युवाओं की, भारत के युवाओं की वंदे वंदे भारत माता की। संदेश है, और जैसे मैंने कहा कि कोई 75 साल हो गए हमारी आज़ादी को, तो उस जो महोत्सव हम मना रहे हैं वो सही मायने में कारगर होगा अगर विवेकानंद जी की उस बात को हम मान के चलें कि हर किसी को अपना हर चीज़ के लिए एक स्वतंत्रता होनी चाहिए जब तक हम किसी और को हानि ना पहुंचाएं। तो उन्होंने एक बात बहुत बढ़िया कही थी कि जो हिंदू धर्म है वो इतना चमत्कारी धर्म, इतना आश्चर्यजनक चकित करने वाला धर्म इसलिए बन पाए क्योंकि हमारे पूर्वज जो थे, उन पूर्वजों ने इसको इतनी स्वतंत्रता दी लोगों को अपने विचार रखने की। इसमें जिस तरीके से इस धर्म को आपने इसको इसकी पालना करनी है उसमें इतनी स्वतंत्रता ली, इतना लचीलापन दिया, उसके कारण से उसी तरीके से अपने, मैं मानता हूँ, हमें जो हमारी सोच है, जो हम अपनी बात रखना चाहते हैं, जो खान पान है, जो विवाह किससे करना है, हर चीज़ में एक स्वतंत्रता का माहौल स्वामी विवेकानंद जी कहते थे जब तक किसी को हम हानि ना पहुँचाएं। तो उसी का मैं कहूँगा कि आज जो नई पीढ़ी है कहीं ना कहीं इम्पेशेंट होती जा रही है। हम सोशल मीडिया पर आए दिन देखते हैं कि अगर किसी के विचार किसी से भिन्न है तो हम उसके ऊपर कहीं ना कहीं टीका टिप्पणी करने का काम करते हैं। उस चीज़ से हमें बचना चाहिए। हमें हर किसी को, जो भारत की खूबसूरती है कि हर एक प्रांत में अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह की भाषा, अलग अलग तरह के व्यवहार के साथ रहते हैं और हम एकजुट के रहते हैं, शायद ऐसा देश पूरे विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है। तो बस मैं यही अपने युवा साथियों को कहूँगा कि हमें एक आज़ादी लोगों को देनी चाहिए अपनी सोच के लिए और सबको मिलजुल कर इस देश की तरक्की के लिए। अगर हम, शायद हर किसी की जिम्मेवारी अलग अलग स्तर पर है, अगर आज मैं एक मोहल्ले का वासी हूँ और मेरी जिम्मेवारी दो गलियों तक है तो उस गली को कैसे बेहतर, उसमें सद्भाव कैसे बनाया जाए, उस पर हमें सोच विचार और चिंतन करना चाहिए। सर, स्वामी विवेकानंद जी के जो विचार थे, सिद्धांत थे, मोटिवेशनल थे, आप कितना प्रभावित हैं उनसे? मैंने तो देखिए आज अभी संस्था जो कार्यक्रम अभी जैसे कराया है, मैंने आज ये सही मायने में महसूस किया। सुबह में बैठ के उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ रहा था और पढ़ते समय मुझे ये महसूस हुआ कि भाई जैसे आप कहते हैं ना कि अपना कोई गुरु आपको दिखाई दे गया, तो उसी तरीके से, और मैं मानता हूँ, मैं अभी तो उनका टिप ऑफ द आइसबर्ग वाली बात है, थोड़ा सा मैंने उनको टेस्ट किया है एक, और आने वाले समय में मैं चाहूँगा कि और ज़्यादा उनके बारे में, उनकी जो दिया गया ज्ञान है जिसने, मैं मानता हूँ, ना केवल देश को, पूरे विदेश में हर किसी को प्रभावित किया। लोग जो आना शुरू हुए इस देश में इस सोच के साथ कि हमें कहीं ना कहीं उस ज्ञान की अनुभूति हो, वो कहीं ना कहीं देन विवेकानंद जी की है। तो उस पर मैं बहुत ज़्यादा, मैं मानता हूँ, खुद प्रभावित आज महसूस कर रहा हूँ और उसमें और बेहतर तरीके से हम कहाँ युवाओं को जोड़ सकें, वो मेरा हमेशा प्रयास है। भारत विकास परिषद से प्रांतीय उपाध्यक्ष, चलिए उनसे जानते हैं। सर, इस तरह के कार्यक्रम युवाओं में किस तरह का एक जोश उत्पन्न करते हैं और इसी के साथ किस तरह की प्रेरणा देते हैं? भारत विकास परिषद सेवा और संस्कार के माध्यम से और स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों को अपना उनका अनुसरण करते हुए, उनका अनुकरण करते हुए युवाओं को एक संदेश देना चाहता है हमेशा ही कि हम भारत को पहचाने, भारत की संस्कृति को जाने, हिंदुत्व और सनातन संस्कृति को जाने। ये संदेश भारत विकास परिषद अपने अनेक संस्कार के कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों में लेकर के जाता है और संस्कार के अनेकों कार्यक्रम जैसे भारत को जानो है,
समूहगान प्रतियोगिता, राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता है, बाल संस्कार शिविर हैं, इस प्रकार के अनेकों कार्यक्रम हम बच्चों में संस्कार उत्पन्न करने के लिए ऐसा प्रयास करते हैं, संस्कार उत्थान के कार्यक्रम हम करते हैं पूरे देश भर में। सर, युवा दिवस भी मनाया जाता है इन्हीं के साथ ही, तो बताइए आज अपनी तरफ से एक उन्हें एक मोटिवेशनल एक मैसेज दे दीजिए। भारत विकास परिषद स्वामी जी के आदर्शों को मानते हुए हम केवल एक मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते भारत विकास परिषद का यही एक आह्वान करता हूँ युवा पीढ़ी को कि वो स्वामी जी जिन्होंने एक बात कही थी कि हम प्रतिदिन कुछ ना कुछ किसी ना किसी समस्या का समाधान करके शाम को सोएं और आराम से जब हम सोते हैं तब ये विचार करें कि आज मैंने किसी का भला किया है, अपने राष्ट्र के लिए मैंने क्या किया है, इतना विचार लेकर के हम लोगों के बीच में जाना चाहते हैं, युवाओं को यही कहना चाहते हैं कि स्वामी जी के आदर्शों पर चलें, क्योंकि स्वामी जी ने एक बात कही थी कि श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा वाचा कर्मणा सेवेत सततम सदा। श्रेष्ठ व्यक्ति की माता पिता की और गुरुओं की मन वचन और कर्म से हमेशा सेवा करनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी जब अपने गुरु स्वामी परमहंस जी से मिले तो उन्होंने कहा कि मैं निर्विकल्प समाधि में जाना चाहता हूँ, तो स्वामी जी कहने लगे कि आप बड़े स्वार्थी हैं, आप अपना मोक्ष चाहते हैं, लेकिन उनका मन नहीं लगा, फिर भी उनको अनुमति दी गई, वो निर्विकल्प समाधि में गए, परमात्मा में लीन हो गए, लेकिन उसके बाद जब उनको चेतन आया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मोक्ष मेरे लिए ठीक नहीं है, मैं तो भारत विकास परिषद और भारत का उत्थान करने के लिए जन्मा हूँ, मैं सभी युवाओं को साथ लेकर आगे बढ़ूँगा और हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसका प्रचार प्रसार यहाँ पर करता रहूँगा और उन युवाओं को भारत के साथ जोड़ने का प्रयास करूँगा। मैं दिल्ली के अंदर भारत विकास परिषद की केंद्रीय कार्यकारिणी में मीटिंग में शामिल हुआ था, तो केंद्रीय कार्यालय में एक बहुत सुंदर अति मन भवन 4 फुट की प्रतिमा लगी हुई थी, मैं वहाँ उसको देखते ही रहा। फिर मैंने उस संत की जो रचना, जो उसके उपदेश, जो हमें युवा साथियों के लिए जो संदेश दिए उन्होंने, उसके बारे में मैंने पूरी स्टडी की। तब से मेरे मन में एक भाव आया कि मैं क्यों ना हमारे यहाँ के जो डबल के युवा हैं उनके लिए एक ऐसा केंद्र बनाया जाए कि जब वो यहाँ आए हमारे लवकुश पार्क में तो वो स्वामी जी की प्रतिमा के दर्शन करें और उनके जो उच्च विचार हैं जो हमने यहाँ भी लिखे हैं कुछ उनको पढ़ें, उनके मन का भाव बदले, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा हमारी युवा पीढ़ी जो है वो पश्चिमी सभ्यता से ज़्यादा बिगड़ी हुई है। हम चाहते हुए अपने बच्चों को भी नहीं संभाल पा रहे, हमारे बच्चे आज छोटे छोटे हैं, मेरे पोता है पोती है, मैं और बच्चों को देखता हूँ, उनको मोबाइल से इतना प्रेम है हमसे कम है। हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे इन आदर्शों को पढ़ें और इनसे जुड़ें ताकि हमारा देश जो है पूरी भारतीय संस्कृति को अपनाए। हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो टूट फूट रही है, तरह तरह के धर्म पैदा हो रहे हैं, हमारे जो हमारा सनातन धर्म है वो बहुत पीछे हो गया है। इन्होंने हमारे युवा जो पीढ़ी है उसको जगाने के लिए बहुत मेहनत की, बस हमारे लिए एक दुख का विषय है कि ये हमारे बीच बहुत जल्द चले गए। हम फिर भी जितना समय उन्होंने हमें दिया हम उनके लिए आभारी हैं और मैं सभी युवा जो पीढ़ी है उसको यही कहूँगा कि उनके आदर्शों को अपनाएं और अपना जीवन सफल बनाएं, यही हमारा संदेश है। हाँ, हर 12 जनवरी को ही नहीं, मेरी कोशिश रहेगी कि हम महीने बाद यहाँ पर एक सत्संग कराया करेंगे और स्वामी जी के उनको दर्शन करवाया करेंगे और स्वामी जी के जो हमारे उपदेश हैं वो सत्संग के अंदर हम जो है लोगों को बताया करेंगे और 12 जनवरी का हमारा कार्यक्रम इसी तरह उत्साहपूर्वक रहेगा और हर वर्ष हमारी ये सोच होगी हम लोग एक रक्तदान शिविर का यहाँ आयोजन करेंगे, यही भारतवर्ष की हमारी ये जो है भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय दिया है। और आज का जो कार्यक्रम था वो ये था कि स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा का अनावरण करना था। बड़े लंबे समय से हम संघर्ष कर रहे थे, 2 साल की लगभग हो गई है इस मूर्ति को बनाए हुए, और इस प्रतिमा को बनाने के पीछे हमारा ध्येय भी यही था कि युवाओं को किसी न किसी तरीके से हम प्रेरित कर सकें
और प्रेरित करने का सबसे बढ़िया तरीका थे यही था कि हम चाहते थे कि एक उनकी प्रतिमा लगा करके और उनका जो शिक्षाएं हैं, जो उन्होंने एक पुस्तक तक भी लिखी है और जो उनके जीवन का फलसफा था, जो वेदांत उन्होंने पढ़े, जो धर्म की संस्कृति, भारत की संस्कृति उन्होंने पढ़ी और धर्म का पक्ष जो उन्होंने शिकागो में धर्म संसद में रखा, ये कैसे रखा गया और 50,000 संतों को, पूरे विश्व के संतों को उन्होंने किस तरह इतनी बात कह करके एक प्रभावित किया कि पूरे विश्व के बहनों और भाइयों, मैं आपसे मुखातिब हूँ या मैं आपको संबोधन करता हूँ, भारत की पृष्ठभूमि से आया हूँ और हिंदू धर्म के बारे में बताना चाहूँगा। आप सभी सिर्फ हिंदू धर्म को एक हिंदू धर्म मानते हैं, हम हिंदू धर्म नहीं मानते, हम पूरे विश्व को ही, पूरी पृथ्वी को ही हम एक कुटुंब मानते हैं, परिवार मानते हैं, ऐसा है हमारा हिंदू धर्म का फलसफा, हिंदू धर्म का दर्शन। तो इस चीज़ को फैलाने के लिए, दूर दूर तक युवाओं को प्रेरित करने के लिए, इस देश के हालात को और स्वस्थ और बढ़िया बनाने के लिए, ताकि युवा इससे प्रेरित होकर के आगे बढ़ें और इनका अध्ययन करें। जैसे अभी मैंने एक थोड़ी सी बात भी करी थी कि कविवर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक बार कहा था कि यदि आप भारत को समझना चाहते हैं तो आप स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ें। तो मैंने उस विवेकानंद जी की जीवनी को बखूबी पढ़ा और पढ़ने के बाद इतना प्रेरित हुआ कि मुझे लगा कि हमें इस जो शिक्षाएँ हैं, जो उनकी जीवन की दर्शन है, जो उनका एक फ़लसफ़ा है, उनके बारे में इसको विस्तृत पब्लिक में छाया किया जाए, पब्लिक में इसको प्रचार और प्रसार किया जाए। तो इस नज़रिए को रख करके भारत विकास परिषद ने ये एक बहुत बड़ा प्रयास किया और लवकुश पार्क में यहाँ आकर के आज वो उनकी जयंती पर, राष्ट्रीय युवा दिवस पर वो मौका हमें मिला और इनका हमने प्रतिमा का अनावरण करके पूरे देश को एक संदेश दिया है कि युवा जो हैं वो इनका अध्ययन करें और इनसे प्रेरित हों। थैंक यू। ये जानना चाहेंगे कि नारी शक्ति, आप ये भी कहा जा सकता है कि बहुत ही, आप कह सकते हैं कि किताबों में लिखा है, बड़े बड़े लोगों द्वारा कहा गया है कि एक मर्द की जो आप कह सकते हैं काबिलियत और उसकी आप कह सकते हैं कि एक जीत के पीछे नारी का हाथ होता है। तो मैम आज आप इसके प्रधान हैं, इसी के साथ युवा दिवस भी है, तो मैम आपके एक मोटिवेशनल विचार चाहेंगे। बिल्कुल आपने सच कहा है कि जो मर्द की जो ताकत है वो औरत ही है, औरत ही मर्द को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है, बुलंदियों तक पहुंचा सकती है। तो ये आज आपके सामने जीता जाता उदाहरण आपने खुद आंखों से देखा है और ये आज हमारे लिए बहुत परम सौभाग्य की बात है कि स्वामी विवेकानंद जी का यहाँ अनावरण मूर्ति का होना हमारे इलाका वासियों के लिए बहुत बहुत ही सौभाग्य की बात है। हम इनसे बहुत, जो इनकी शिक्षाएँ हैं उन पर अपने बच्चों को, अपने साथियों को इन पर समय समय पर यहाँ लाकर उनको इनका उपदेश सुनाएंगे और कुछ ना कुछ कार्यक्रम समय समय पर करते रहेंगे ताकि वो इनसे प्रेरणा लेके आगे बढ़ सके। और कभी ना कभी हमारे दिमाग में एक विचार है कि कन्याकुमारी में इनकी जो स्वामी विवेकानंद रोक है, मेडिटेशन रोक है, उस पर ले जाने का हम प्रोग्राम बनाएंगे, क्योंकि वहाँ अगर आप जाओगे, कभी आपको मौका मिले, मुझे मौका मिला है, मैं परम सौभाग्यशाली हूँ मुझे मौका मिला है, तो वहाँ जाके आपके रोंगटे खड़े होते हैं, इतना मतलब आपको ऐसा लगता है कि जैसे स्वर्ग में हम पहुँच गए हैं। तो हम चाहते हैं हमारे बच्चे उसी स्वर्ग का आनंद लें, पहले शुरुआत यहाँ से होएगी, उनकी शिक्षाओं से वो प्रेरणा लेंगे और उनके अंदर एक जज्बा पैदा होएगा कि हम उस महान आत्मा के, उस महान आदमी के वहाँ जो जहाँ उन्होंने अपना मेडिटेशन की थी उस रोग को देखें। और समय समय पर हमारा विचार है भी हम इस तरह के प्रोग्राम करते रहेंगे और आने वाली 12 जनवरी को तो इससे भी बढ़कर। नमस्कार, आदाब, जिंदगी जिंदाबाद। आज राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और एक परिवार है डबवाली का जिन्होंने आज इस प्रतिमा को दिया है। कितनी खूबसूरत प्रतिमा है। गुरदीत जी हमारे साथ हैं, ये विचार कहाँ से आया परिवार में कि ये मूर्ति स्थापित होनी चाहिए?
हमारे पिताजी श्री चंद्रनाम जी ये समय इनके अनुयायी थे जी। और इनके विचारों को मानते थे और उनके हिसाब से ही चलते थे जी। जिससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती थी और उसी प्रेरणा को देखते हुए उनकी स्मृति में हमने ये जो प्रतिमा है भारत विकास परिषद को।